नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बजट को लेकर केंद्र मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2014 से पहले देश के प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपए होती थी, जो आज 1.97 लाख रुपए हो गई है, यानी दोगुनी हो गई है। वही पूर्वोत्तर में हर तरह की परेशानी थी, दिक्कतें थी। पहले वहाँ का बजट केवल 2,000 करोड़ होता था, आज वहाँ का बजट 24,800 करोड़ है का है। इस दौरान वहां का 10 गुना बजट बढ़ा है। मीनाक्षी लेखी ने इस बार के बजट को संतुलित बजट बताया है। साथ ही दिल्ली में बता दें कि दिल्ली को 991 करोड़ रुपए दिया गया है। दिल्ली के रेलवे बजट में 2,497 दिए गए हैं और टॉप 5 अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी की गई है, ये मीनाक्षी लेखी का कहना है। सड़क से लेकर संसद तक एक बार फिर हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज सदन में अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर बोले। मीनाक्षी लेखी जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर काफी लंबी यात्रा के बाद जब सदन पहुंचे तो फिर इस तरीके के बयान कैसे देखती हैं? नहीं कुछ, क्योंकि बजट पे कहने को नहीं है ना, क्योंकि उनसे तो पहला प्रश्न यही होना चाहिए था कि जी आप बताइए इस देश में जो एवरेज इनकम थी 88,000 रुपए थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर 1,97,97,000 हो गई है, तो आप बताइए आपका क्या कहना है। मतलब तकरीबन 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है। इस देश का बजट 16 लाख करोड़ से बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया है, आप बताइए क्या कहना है। इस देश की जो फ्रेजाइल 5 में आपने पहुंचा दिया था अपनी मेहनत से, उसकी 4 गुना मेहनत करके हमने उसको टॉप 5 में ला के खड़ा कर दिया है, बताइए आपका क्या कहना है। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो एक रीढ़ होती है उसको कमजोर करने की कोशिश? एग्जैक्टली आप बताइए, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो, ये देश का चाहने वाला होगा या देश का दुश्मन होगा? मगर उनका ये भी कहना है ना कि सिर्फ अडानी ही क्यों, और भी बहुत इंडस्ट्री। तो आपको डेटा देंगे और किस किस इंडस्ट्रीज ने फायदा, कितना कितना फायदा उठाया है। ये पार्लियामेंट टाटा बना रहा है और 5G अंबानी लेके आया है, और फार्मास्यूटिकल में और कंपनीज बहुत है। महिंद्रा ने बहुत काम खड़ा किया है विदेशों के अंदर, अपनी ताकत बढ़ाई है ऑटोमोबाइल के अंदर। देंगे ना आपको डाटा। सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा गया कि वो एक ठग हैं। आप लोग अगला चुनाव यूपी से लड़ लेना, 44 में से 4 नहीं बचोगे। आखिरी और अंतिम सवाल, क्योंकि दिल्ली की आप एक लोकप्रिय सांसद हैं और काफी लंबे समय से दिल्ली को आप देख रही हैं, बजट को लेकर जिस तरीके से लड़ाई एक तरीके से छिड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये 325 करोड़ के अलावा कुछ नहीं दिया, आपने बहुत सारे बजट और बहुत सारे लोकेशंस दिखाए। देखिए झूठ के पांव नहीं होते और भ्रष्टाचारियों के हाथ नहीं होते। 927 करोड़ और मांगा गया है। अरे 700 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने सड़कें ठीक करने के लिए ऑलरेडी दे दिया है, वो पैसा दिल्ली सरकार को, मतलब दिल्ली के लिए वो पैसा दे दिया गया है। और उसके अलावा 325 करोड़ पहले म्यूनिसपैलिटी को दिया गया था, उसके अलावा तकरीबन 900 कुछ करोड़ रुपया अलग दिया, 1,168 करोड़ रुपया मिला। आपके मंत्रालय को कितना मिला और क्या नया कुछ आपके उस पे देखने को मिल सकता है? 6,000 करोड़ के आसपास मिला, जिसमें से तकरीबन 33-34% बजट जो है वो हमारा डेवलपमेंटल कोऑपरेशन में अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर खर्च होता है। जैसे चाबहार पोर्ट है, 2,000 कुछ करोड़ रुपया तो सीधा 41% जो है इस ग्रांट का, ये जो हमें मिली है वो भूटान को जा रहा है, मालदीव्स की कनेक्टिविटी पे जा रहा है, अन्य देशों के लिए जा रहा है, तो वो है। और G20 आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपके मंत्री। G20 के लिए 900 कुछ करोड़ रुपया मिला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर मीनाक्षी लेखी वो सांसद हैं, वो नेता हैं जो दिल्ली को बड़ी बारीकी से जानती हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिवाय 325 करोड़ के दिल्ली को कुछ नहीं मिला, जो पहले मिलता था वही मिला, लेकिन यहाँ पर दसियों ऐसी योजनाएं दिखा दी गई, बता दी गई, ऑन पेपर दिखा दी गई कि ये सब योजनाएं केंद्र सरकार के तहत दिल्ली को दी गई हैं और इसका पैसा भी दिल्ली के एलोकेशन को दिया। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर वो पैसा डायरेक्ट उनको मिलता है तो दिल्ली सरकार का उसमें कोई लेना देना भी नहीं है। वीडियो लिए सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
जैसे जैसे समय बदलता गया है, अपराध करने का तरीका भी बदल गया है। आज के जमाने में साइबर अपराध अपने चरम पर है। आपने एक फिल्म देखी होगी जामतारा, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड कहे या साइबर अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है, इस बारे में दर्शाया गया है। देश भर में हर लाख, बता दें कि लाखों मामले साइबर अपराध के दर्ज किए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मेटा यानी कि फेसबुक ने अब एक साथ हाथ मिलाया है। दिल्ली पुलिस और मेटा यानी कि फेसबुक अब साइबर अपराध को बढ़ाने की रोकेंगे, जिसके चलते आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दोनों संस्थाओं ने मिलकर बात कर युवाओं को सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के तरीके और अगर अपने साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके समय में हर युवा किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर साइबर अपराध और ठगी बढ़ती जा रही है और इसके युवा शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर ठगी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, तो वही दूसरी तरफ इसके किस तरह से अपना बचाव किया जाए ये भी बताया है। मेरे साथ इस वक्त स्पेशल शिल्पी संजय सिंह सामोज। सर, आपने मेटा के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्या लगता है साइबर अवेयरनेस को लेकर कितनी बड़ी भागीदारी मिल सकती है? देखिए, आजकल के इस कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में जितने लोगों को जोड़ा जाए, खासकर दिल्ली पुलिस, अपने एक कोशिश ये है कि जैसे मेटा हुआ और भी बाकी हमारे जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज और मीडिया के साथी हैं, अवेयरनेस अपने यंगस्टर्स में और खासकर विमेन के अंदर, महिलाओं को एक तो लॉज के बारे में और उनके पास जो रिड्रेसल की जो एजेंसीज हैं, आपका 1930 नंबर हुआ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, जो हमारी क्राइम के जो पोर्टल्स जो हैं उसके अंदर आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर की बात यह, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं तो भी आप पोर्टल के ऊपर, और हम लोगों को भी एनोनिमस आपका नाम रखा जाएगा, एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाएगा, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू अस। सर, इनिशिएटिव्स कई सारे लिए गए साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर जब एक महिला या किसी भी पुरुष को ज़रूरत पड़ती है वो स्टेप में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको लाइक जैसे आप थाने में गए, आपको फर्स्ट स्टेप पर अगर एक अच्छी बेटर सर्विस मिलती है तो कहीं ना कहीं इसमें लोग और आगे आएंगे, क्योंकि देखा गया कि अमूमन कम लोग इस चीज़ की रिपोर्ट कर पाते हैं। हाँ, इसीलिए सेंसिटाइजेशन जरूरी है। हम अपने पुलिस के जो पर्सनल हैं उनको भी सेंसिटाइज करते हैं। ये जो मुहिम जो है, जिसमें कि कॉलेज के छात्रों को जोड़ा गया, स्टूडेंट्स को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, उनमें अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, और ख़ासकर साइलेंस जो है, चुप रहना साइबर क्राइम के तलक बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। आप लोग अगर आगे आएंगे, डेफिनेटली पुलिस आपके साथ मिलके, आज आप पाएंगे हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इफ्सो के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है, जिससे कि बेटर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लेकर एक कई बार इस तरीके के प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से मेटा इंडिया यानी फेसबुक के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ, क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स जो यूज़र्स हैं ऑनलाइन के या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए आज मेटा के साथ दिल्ली पुलिस ने कोलैबोरेशन किया है और एक नई शुरुआत ज़रूर की है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस के इस सार्थक कदम से कितना फ़ायदा आम जनता को, यह उन लोगों को फ़ायदा होता है जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अमूमन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सबसे ज़्यादा शिकार भी साइबर क्राइम का अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, महिलाएं होती हैं या यंग टीनेजर्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली पुलिस का ये इनिशिएटिव कि जिस तरीके से साइबर अवेयरनेस को लेकर खासकर यंगस्टर्स में कैसा लग रहा है। पहले तो सर ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा हमें हमारे अवेयरनेस को फैलाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, और जब पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है और ना ही उन्हें पता होता है कि अगर हो भी गया उनके साथ ही क्राइम तो उन्हें करना क्या है। सर ये इनिशिएटिव हमें कम से कम ये अवेयरनेस तो फैलेगी कि हमारे साथ ही हमारे अगल बगल में किसी के साथ कुछ हो गया तो हमें उनके लिए करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इसको स्टॉप कर सकें और ये बाकी महिलाओं के साथ ना फैले। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि रिपोर्ट करने क्यों जाएं, कैसे जाएं, अगर पुलिस की तरफ से उसमें आपको और ज़्यादा सहूलियत मिलती है तो लगता है कि फ़ायदा होगा, लोग आगे आएंगे, आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे।
हाँ। आपको लगता है कोई ऐसा इंसिडेंट कोई आपके नोन में जान पहचान में हुआ हो कभी? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं अभी तक। अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं? लोग बताते नहीं है, डरते हैं पुलिस के नाम से। अभी ऐसी इमेज है कि पुलिस से डरते हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि पुलिस हेल्प करने के लिए है। तो अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग को पता चलेगा कि सहायता करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो हेल्प बहुत इजीली हो सकती है। अरे आप अपना नाम बताएं पहले। काम्या। काम्या, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते होंगे आप लोग? सोशल मीडिया में मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि टारगेट करने के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें होती है, उनको मैनेज करने के लिए अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, अगर जानकारी है तो फ़ायदा होगा। बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ेगी लड़कियों में और थोड़ा वो उनमें हिम्मत ज़्यादा आएगी, वो आगे आएंगी। अगर उन्हें कुछ होगा तो खुल के बता सकती हैं। कुछ लोगों अपनी फैमिली का प्रेशर भी होता है कि वो क्या कहेंगे, लेकिन अगर पुलिस हेल्प करेगी तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। रेज द वॉइस, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पहुँचेगी कैसे? राइट। आपका क्या नाम है? वंदना। कहाँ से हैं आप, कौन से कॉलेज? गार्गी कॉलेज। आप लोगों को लगता है कि इस तरीके के सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हर कॉलेज में होने चाहिए? स्टूडेंट से ज़्यादा डेली एक इंटरेक्शन पुलिस का होना चाहिए, सो दैट अवेयरनेस रहे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम्स होती भी है तो ना हम फैमिली वालों को बता सकते हैं, और दूसरा ये कि हमें ये भी है कि एनोनिमस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, तो पुलिस हमारी हेल्प करेगी तो इससे बेटर फायदा ही होगा ना हम लोगों को। अच्छा, कॉलेजेस में आप लोगों के कॉलेजेस में हेल्प डेस्क वगैरह पुलिस की है? नहीं, वो तो अभी नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं एज अ फ्रेंड पुलिस आपके कैंपस में रहे तो फ़ायदा मिलेगा? ऑफ़ कोर्स मिलेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में कहाँ जाना है, तो अगर इन फ्रंट कोई डेस्क होगा जो मतलब इफ़ यू व्हेनेवर यू नीड आप अप्रोच कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कि वरना कभी कभार नंबर नहीं लगता, कभी कभार टाइम लग जाता है ईमेल का रिस्पॉन्स पाने में, तब तक बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है कि छोड़ दो, हो गया सो हो गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर पुलिस भी आपके लिए बैठी है, आपके लिए ही काम कर रही है, अगर आप नहीं उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? ऑफ़ कोर्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग को शेयर करना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत लोगों की अवेयरनेस होना चाहिए कि जाओ, क्योंकि वो लोग हेल्प के लिए बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो लोग मीडिया के सामने आ जाएंगे। कई लोगों ने बोला डर जाते, डर किस बात का? डर पुलिस से, मतलब किस चीज़ का डर, ये मुझे समझ नहीं आया, किस चीज़ का डर? नहीं, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि सब लोग सोच रहे थे बहुत लंबा प्रोसीजर चलेगा, फिर बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि ठीक है चुप हो जाओ। हाँ, जैसे जैसे वक्त बदलता गया अपराध करने के तरीके भी बदलते गए। पहले चोरियां हुआ करती थी, घरों में लूट हुआ करती थी, डाके पड़ा करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये सभी तरीके बदल गए हैं। अब ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, इसलिए साइबर फ्रॉड भी अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने और मेटा यानी फेसबुक ने हाथ मिलाया है और साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। इस पहल में साइबर क्राइम पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए उस पर चर्चा की गई, और वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधों में बढ़ रहे कमियां, जिस तरीके से कमियां लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सरताज के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। बिल्कुल, साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उस पर लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, इसका वीडियो बता दें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला खेर रोड का है, जहां पर आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, बेल्ट चली है और मारपीट किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर में वाहन चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि थाना कुबेश्वर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और जो जिंदा कारतूस, साथ ही बता दें कि मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक्टिवा और साथ ही फर्जी नंबर के प्लेट्स भी बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी अभिन्यू मांगलिक ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में अलग अलग जगहों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया गया है। कुतुबशहर पुलिस द्वारा ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 वाहन चोरी के
एक जो स्कूटी जो उन्होंने हरिद्वार से चोरी की थी, एक मोटरसाइकिल हरियाणा से और एक मोटरसाइकिल हमारे सहारनपुर ज़िले से इनके पास चोरी की बरामद हुई। कहाँ कहाँ से चोरी करते थे और कितना बड़ा इनका गिरोह है? ये तीन अपराधी हैं, इसमें जैसे उन्होंने बताया कि हरिद्वार और हरियाणा मतलब आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने किए हुए हैं, नेबरिंग स्टेट से इन्होंने किया हुआ है। और इसमें से एक जो अपराधी है शाहरुख, ये पहले भी इसका आपराधिक इतिहास है और पहले भी ये मोटरसाइकिल चोरी में कुतुबशेर थाने से ही जेल जा चुका है। चोरी करने के बाद कहाँ क्या करते थे उस काम का? चोरी करने के बाद पहले तो ये नंबर प्लेट बदल दिया करते थे उसकी, फर्जी नंबर प्लेट लगा कर ये आगे किसी को भेज दिया करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता संभालते ही अन्ना मवेशियों से निपटने के लिए गौवंश के संरक्षित करने के लिए भारी भरकम बजट से गौशाला का निर्माण कराया गया है ताकि गौवंश को गौशाला में संरक्षित किया जा सके। इसके बाद भी अन्ना मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारी टीम उन्नाव जिले के गंगाघाट नगर पालिका क्षेत्र के बन्हे कान्हा गौशाला पहुंची थी, जहां पर गौवंशों को संरक्षित किया गया और बता दें कि रखरखाव के अभाव में अन्ना मवेशी गौशालाओं में तोड़ने को मजबूर दिखे हैं। गौवंशी के मौत के बाद से उन्हें पास से तालाब में फेंक दिया जाता है और साथ ही मृत गौवंशों को कुत्ते नोच रहे होते हैं। दरअसल गौवंशों की मौत की वजह से चारा पानी बताया जा रहा है। गौवंशों के नाम पर उन्नाव जनपद में बड़े स्तर पर चारा घोटाला किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूख प्यास से गौवंश गौशाला में ही दम तोड़ने को मजबूर है। वहीं हमने जब गंगाघाट नगर के पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा से बात की तो साहब ने मामले पर पर्दा डालते हुए सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया है। गौशाला के ग्राउंड जीरो की तस्वीर सरकारी सिस्टम की बदहाली की पोल खोलती हुई साफ नजर आ रही है। गौशालाओं में गौवंशों की मौत के बाद से कुत्ते मृत गौवंशों को शव को नोच रहे होते हैं और साथ ही जिम्मेदार अपनी कुर्सी पर बैठकर शासन की रिपोर्ट भेज रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री के सख्त फरमान के बाद भी जिले में गौवंशों को लेकर जिम्मेदार कब कार्रवाई तय करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जो नांदी है वो खाली है, खाली रहती है और गाय सूखा भूसा खा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है पकड़, हमारे यहाँ सभी चोकर भी है, भूसा भी है, सब समय से डाला जा रहा है। एक चारा खिलाने का समय होता है सुबह शाम दोपहर जो भी है, जो समय बना हुआ उस समय पे हमारे गौशाला में सभी गायों को उपलब्ध कराया जाता है, सभी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे उनको गायों को भूसा चारा कुछ न मिल रहा हो। कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें खाली नांदी को गाय चाट रही है, इस विषय में आपका क्या कहना? नहीं, वीडियो तो आदमी कुछ भी बना के कहीं भी वायरल कर दे रहा है, वो तो दूसरी बात होगी, लेकिन आप समय से जाइए जिस समय उसको चारा दिया जाता है सुबह दोपहर शाम। मथुरा में काफी संख्या में किसान और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि हमारे खेतों में आवारा पशु फसल को नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने कहा था कि आवारा पशुओं से छुटकारा दिया जाएगा, पर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कई बार राष्ट्रीय लोकदल ने ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वही श्रावस्ती में जमीन विवाद के बाद हुई मारपीट में एक गर्भवती महिला समेत दो लोग चोटिल हो गए हैं। आरोप है कि दबंगों ने परिवार के साथ गर्भवती महिला के पेट पर भी लात मारी है। वही बता दें कि पुलिस ने शिकायत करते गई घायल गर्भवती महिला घंटों तक थाने के गेट पर लेटी रही। पीड़ित का थाना गिगौली पुलिस पर आरोप है कि कई घंटे भी जाने के बाद भी ना तो उसकी मेडिकल जांच कराई गई ना ही कोई कार्रवाई की गई है। वहीं मामला गिलौला थाना क्षेत्र के कोटम मुबारकपुर के बता दें कि फेडहरी पूर्वा गांव का बताया जा रहा है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जहां गौवंश को संरक्षित करने के लिए डीएम सुरक्षित करने के लिए डीएम को पत्र लिख रही है और 5 दिन बीत जाने के बाद भी गौ आश्रय स्थल के हुए गौकशी के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को सर्द मौसम में भी पसीना छूट रहा है। वही समाजवादी कार्यकर्ता जहां गौकशी की घटना पुलिस की कार्यशैली को आक्रोश देखने को मिला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। गौकशी के मामले में 5 दिन पूर्व ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने अपर मुकदमा दर्ज हुआ था और वहीं इस विषय पर क्षेत्राधिकारी
मसाफिर खाना ने खाना से बातचीत की गई थी और उन्होंने बताया था कि यह जांच का विषय है। जांच के द्वारा दोषी पाए गए कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और बस्ती जिले के एडवोकेट प्रोजेक्ट्स बिल को लेकर अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे किए हैं और पुतला फूंका है। बता दें कि बस्ती जिले में अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने कचहरी इलाके से जुलूस निकालकर कलेक्टर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। सिविल बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजनीश दुबे ने विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया है कि अधिवक्ता सुरक्षित बिल, पेंशन सहित तमाम अन्य मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगर सरकार ने समय रहते ही कदम नहीं उठाया तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता विधानसभा घेरने को मजबूर होंगे। बस्ती जिले में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव अरुणेंद्र पटेल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शास्त्री चौक के निकट चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बता दें कि सदर को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए सत्र 2022 के 23 के गन्ने के लाभार्थियों के मूल की घोषणा की गई है। आवारा पशुओं के नियंत्रण कर फसलों की बर्बाद को रोका जाए और साथ ही गन्ना मूल का ब्याज सहित भुगतान किया जा सके। शादी के बाद चलती ट्रेन से दुल्हन के लापता होने से हड़कंप मच गया है। ऐसा मामला देखा जा रहा है और साथ ही बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि दुल्हन दूल्हे और उनके परिवार को धोखा देकर फरार हो गई थी। बेटे की शादी करके वापस लौट रहे बता दें कि खुरानी का शिकार हो गए हैं। दुल्हन के लापता होने के बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुल्हन अपने साथी या फिर कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई है। वही जहर खुरासी के शिकार बने दूल्हे बता दें कि जहर खुरानी के शिकार बने दूल्हे और उनके माता पिता और साथ ही मौसा को उपचार के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती में योगी सरकार के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह राठौड़ का श्रावस्ती का दौरा हुआ। राज्य मंत्री PWD के निरीक्षण भवन पहुंचे जहां पर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और साथ ही HP प्राची सिंह ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। तो वहीं वहां पर BJP कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद से राज्य मंत्री ने BJP के कार्यकर्ता पदाधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत की गई है जिसके बाद से कलेक्टर सभागार पहुंचकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें राज्य मंत्री ने पेश किए गए बजट के उपलब्धियां और साथ ही उससे होने वाले लाभ को गिनवाए गए हैं। चौहत्तर सौ करोड़ जिसका भुगतान किया गया स्वच्छ मिशन भारत जो स्वच्छ मिशन भारत जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया 11.7 करोड़ घरों को शौचालय बनाए गए। आज जो प्रधानमंत्री योजना की जो जनधन खाते का जबकि भी सोचा नहीं होगा आज 47.8 करोड़ खाते खुले हुए। जालौन में अध्यापक के द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित छात्रों ने घर जाकर परिजनों को अध्यापक के द्वारा दी गई अश्लील हरकतों की जानकारी दी है। गुस्साए परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
हाथरस में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लग गई है। आरोपी पूर्व प्रधान की हत्या का मुख्य आरोपी है। वही गोली लगने के कारण आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस कब से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रानीपुर नगर के बस स्टैंड पर मौजूद भारतीय स्टेट बैंक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान दास, बता दें कि भगवान दास कौड़ी ने अडानी को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खावड़ी के निर्देश पर अनुसार सभी जिला मुख्यालय स्टेट बैंक के पास धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, और इसी के चलते जिला अध्यक्ष भगवान दास कौड़ी ने नगर में सभी कांग्रेसियों के सुबह इकट्ठा होकर स्टेट बैंक पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। मऊरानीपुर के नई बस्ती में मौजूद एक विद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें चलते डीजे लगाया गया, जिसकी स्कूली बच्चों ने फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए हैं। वहीं स्कूल की ड्रेस पहनकर एक दूसरे को कपड़े फाड़ते भी वे नजर आए हैं। बता दें कि पूरी जानकारी स्कूल प्रशासन को होने के बाद भी किसी ने पूरी घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की है और उनको रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। स्कूली बच्चों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया है। कबीर स्थलीय मगहर में, बता दें कि मगहर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। जिले में तीन विधायक और कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया है। महंत विचारदास ने अतिथियों को बैच लगाकर स्वागत किया गया। वही अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों को सरस्वती वंदना का महोत्सव करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो है इस महोत्सव में भाग लेकर काफी खुश नजर आए। झांसी के गरोठा मोरानीपुर सड़क पर ग्राम निमगन्हा में पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार टैक्सी चालक ने मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके पुष्पेंद्र निवासी सदपुर थाना राट गंभीर रूप से घायल हो गया। टैक्सी चालक मौके पर टैक्सी लेकर फरार हो गया। वहीं मौके से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी है। मौके पर पहुंचे डायल 112 ने गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बता दें कि गरोठा भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। टहडौली में अंबेडकर पार्क में भूमि से कब्जा हटवाने की मांग, और साथ ही बता दें कि उपजिलाधिकारी हर टौली को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि ग्राम पंचायत टहडौली जिला किला में भूमि नंबर 125 जो कि तहरीर मुख्यालय में लगी हुई है, अंबेडकर पार्क के लिए खतौनी में दर्ज होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने भूमि पर अधिकृत कब्जा कर जमा रखा है, जिसे मुक्त कराने के लिए आज दर्जनों की संख्या में नगर नागरिकों ने उपजिलाधिकारी टहरौली को ज्ञापन सौंपा है। न्यायमूर्ति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह रायबरेली पहुंचे हैं, जहां पर बजट भवन में अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से अनियमितता की शिकायत लगातार हो रही है, जिसके संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के सरकार से पिछड़ा वर्ग आयोग बोर्ड का गठन करने, सभी जिले के नए सिरे से अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के साथ आरक्षण सूची की समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया है। उद्देश्य यही है, देखना है कि ओबीसी डेडिकेटेड कमीशन है फॉर बैकवर्ड्स, यानी बैकवर्ड के हितों को देखने के लिए ही कमीशन बना है। बैकवर्ड की संख्या ठीक से काउंट की गई है, उसमें रिजर्वेशन ठीक से दिया गया है या नहीं, यही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या चर्चा हो रही है, जो बैठक चल रही है इसमें किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है? चर्चा वही, पहले तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि कितनी काउंटिंग गलत हुई है कुछ ओबीसी में। सर कई जिलों में गए हैं आप, क्या निकल के आ रहा है? जो पहले आरक्षण लागू हो गया था और जो कमेटी बनाना पड़ा, तो निकल के क्या आ रहा है? वो तो यही जो PIL दाखिल हुई थी हाईकोर्ट में कि ओबीसी का रिजर्वेशन ठीक से नहीं किया गया, वो हाई कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया और पाया कि उसमें गलतियां थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।